एक बात सुनी जिससे मुझे काफ़ी बुरा लगा। एक शॉर्ट्स दिखाया गया कि एक लड़की को हिजाब ठीक से नहीं पहना, मुस्लिम लड़की थी, हिजाब ठीक से नहीं पहना इसलिए पुलिस ने उसे मार डाला। मतलब ये इतना शॉकिंग, देखो शॉकिंग नहीं रहा मेरे लिए क्योंकि लेडीज़ पे होने वाले अन्याय में डे बाय डे देख रही हूँ और मुझे काफ़ी बुरा लगता है जब मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो उस देश की, क्योंकि शायद वो मुस्लिम कंट्री होगी, वो न्यूज़ मैंने देखी शॉर्ट्स में, और अब ये सही है या गलत है इसके लिए मुझे माफ़ कर दो, ओके? मैं कोई गलत फहमी नहीं फैलाना चाहती, बट जो मैंने देखा आई डोंट थिंक ये गलत होगा। यूट्यूब पे अगर किसी ने डाला है, गलत होता तो उसके ऊपर ज़रूर ऑब्जेक्शन होता। तो मैंने देखा कि पुलिस ने उस लड़की को पीट पीट कर मार डाला। अब उस देश की औरतें जो है सड़क पे उतर आई जैसे, या उन्होंने जो है प्रदर्शन किया तो उनको भी मार डाला गया, और मतलब कई औरतें मर गई, शायद लाठीचार्ज किया होगा या पता नहीं क्या हुआ। तो बहुत सारी औरतें जो है अपने बाल कटवा रही है, और ये कहीं ना कहीं ऐसा, क्योंकि मेरी एक जो मुस्लिम डिवाइन फेमिनाइन मुझे मिली थी, काफ़ी अन्याय उनके साथ हुए थे। तो मैंने कहा कि देखो भाई, कोई और आवाज़ उठाएगा ना तो लोग क्या बोलेंगे कि हमारे धर्म के ऊपर जो है, हमारे धर्म को जानबूझ के नीचा दिखाया जा रहा है, कुछ ना कुछ हमारी इंसल्ट की जा रही है, तो ऐसा होगा। आपको जो है किसी और की मदद की अपेक्षा नहीं करनी है। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ पे पढ़ने ही कहाँ दिया जाता है। मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ने दिया जाता है, क्या मुस्लिम में पढ़ी हुई औरतें नहीं हैं? मेरी एक फ्रेंड थी, वो तो एडवोकेट थी। ऐसा भी कुछ नहीं है कि पढ़ने नहीं दिया जाता, भगवान अगर ने दिया चाहता है तो आप ज़रूर पढ़ सकते हो। तो ऐसा मैंने कहा, और दोस्तों वो कहीं ना कहीं सही निकला कि आपको, मैंने उनसे कहा कि आपको खुद ही आवाज़ उठानी पड़ेगी, कोई और आकर आपकी मदद करेगा, इस चीज़ की आप अपेक्षा मत कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये सही हुआ जो उस वीडियो में दिखाया गया कि औरतें प्रदर्शन करने लगी, औरतें अपने बाल कटवाने लगी, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया कि आगे हमारे घर में और बेटियां हैं, बहुएं हैं, डे बाय डे दिन बदलता जा रहा है, कब तक उनको बुरखों में रखा जाएगा। और दोस्तों मैंने भी सोचा था कि मुझे बहुत अच्छा हस्बैंड मिलेगा, मेरे बाप तो इतने अमीर है, रिस्पेक्ट उनकी समाज में है, तो मुझे तो अच्छा घर ही मिलेगा और मैं ठीक हूँ, ऐसा मुझे लगता था। और एटलीस्ट बाप के दम पे तो लगता था कि मेरे बाप तो मुझे अच्छा ही देख के देंगे, बट हुआ एकदम उल्टा। क्या पता आपके नसीब में कोई हिजड़ा लिखा हो जो अचानक से आपको छोड़ दे, कितने भी पैसे उसके पास हो लेकिन क्योंकि वो तो है हिजड़ा, उसको विश्वास है कि वो कुछ नहीं कर सकता, तो अपने माँ बाप के पैसे वो खुद ही रख ले और आपको एकदम नंगा करके छोड़ दे दुनिया के सामने, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे? आपकी जो मेंटालिटी थी, मैंने एक वीडियो में देखा भी, तो वो लड़ी कहती है सीरियल वाली, कुमकुम वाली शायद, सच है ना कुमकुम से, कितना प्यारा गाना है ना, मुझे बहुत पसंद है। वो बोलती है उसमें कि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरा डिवोर्स हो रहा है, मैं सोच रही थी अपने माँ बाप, मेरे माँ बाप का एक ही रिश्ता अभी तक चल रहा है, तो मैं सोचती थी मैरिज इज़ फॉर एवर, मुझे पता ही नहीं था कि ये ब्रेक भी हो सकता है। तो दोस्तों कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये तो अब नॉर्मल हो गया, कॉमन हो गया है कि कई रिलेशनशिप्स में इंसान जाता है। तो किस पे आप विश्वास करोगी कि आज एक अच्छा रिश्ता देख के आपको दिया जा रहा है कि सडन से वो चेंज हो जाए और आपको कुछ भी ना मिले? देखो लोग तो ये बहुत दिखाते हैं कि कितनी बड़ी शादी की है, कितनी बड़ी शादी की है ये तो ज़रूर दिखाते हैं, कार्ड्स पे पैसे खर्च करते हैं, मंगल कार्यालय जो होता है उसके ऊपर पैसे खर्च करते हैं, खाने पे न जाने क्या क्या, पर ये कोई नहीं बताता कि अब वो मैके से छूट चुकी है, अगर हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया तो उसको क्या मिलेगा?
अब रिश्ता बनाने जाओ ना तो आपके दूल्हे के साइड से बोला जाता है कि हमारी इतनी प्रॉपर्टी है, इतना बैंक बैलेंस है, इतना स्टेटस है, इतनी सैलरी है। तो गलती से आप अगर दुल्हन को छोड़ देते हो तो उसको आप क्या देते हो, ये कोई नहीं बताता। आई थिंक ये एक VIP कानून होना चाहिए कि अगर कल को रिश्ता टूटता है तो हम दुल्हन को क्या देंगे। बट ये अभी तक किसी ने बनाया नहीं, क्योंकि इसमें फ़ायदा नहीं है पुरुषों का, क्यों बनाएंगे ऐसे कानून। तो लड़की जो है मैके में सर पीटती रहती है कि मुझे इस चीज़ की कमी है, आप शर्म करो मुझे, मैं भी इस घर की बच्ची हूँ और तो मुझे भी कुछ हक मिलने चाहिए। तो वो एकदम पराई सी हो जाती है जब उसकी शादी हो जाए, तो फिर दया करके उसको सिर्फ सर्वाइव, बस ना वो मर सके ना वो जी सके, बस दया समझ के उसको, या मनते आलिया भोगा से आसा वैसा धन, मराठी में कहावत है, ये हमारे नसीब में आई है तो क्या करे अब ऐसा। ओके, ससुराल में तो सर पीट के बेकार है, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि कानून भी देखो कैसे बनाए हैं कि सास ससुर ने अगर जो है प्रॉपर्टी खुद कमाई है तो उस पे बहू का कोई अधिकार नहीं है। और जब रिश्ता लेकर आते हैं तो देखो हमारा इकलौता बेटा है, हमारा जो सब कुछ है वो तो इसी का है। तो ये होता है, तो कब तक लेडीज़ जो है डिपेंड रहेंगी माँ पे, बाप पे या भाई पे, शर्मा के आज वो आपको हिजाब पहनाएंगे, कल को आपको ज़रूरत पड़ेगी तो कौन सामने आएगा। ये है ना, हिजाब पहनना भी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलती कि आप अपना हिजाब ये कर दो, अपने धर्म का कोई अपमान करो, लेकिन जो हिजाब पहन रही है उसको भी इंसान समझो, उसको भी इंसान समझो। उसकी सिक्योरिटी के लिए वो है, वो हिजाब उसकी सिक्योरिटी के लिए है कि तकाई कोई खूबसूरती के दम पे जो है खूबसूरती को देख के उसके पीछे ना पड़ जाए, उसके मोह ना पड़ जाए, उसको नज़र ना लग जाए, इसके लिए है। बट कहीं पे किस जगह पे अगर वो सिक्योर फील करना चाहती है, थोड़ा सा हवा लेना चाहती है, इंसान होके जीना चाहती है, तो उसको वो मौका भी दिया जाए। तो हिजाब कहीं ना कहीं उसको भी थोड़ा अधिकार दिया जाए कि किस वक्त वो पहनना चाहती है। अगर उसे लगे कि कोई बुरी नज़रें है, तो मैं तो कहती हूँ मैं खुद भी हिजाब पहन लूँ सीरियसली, भले मैं मुस्लिम हूँ या ना हूँ, अगर बुरी नज़रें दिखे, बुरी एनर्जी दिखे तो मैं खुद ही हिजाब पहन लूँ। पर अगर वो अपनी फैमिली के साथ है, अपने दोस्तों के साथ है, अपने परिवार के साथ है, या वो कॉन्फिडेंट है कि वो अपनी रक्षा कर सकती है, उस समय थोड़ा उसको अधिकार होना चाहिए कि वो क्या उस वक्त मूड है उसका पहनने का। तो गर्मियाँ होती है कई बार, किसी को हो सकता है दमे की शिकायत हो, सांस लेने में तकलीफ़ हो, तो उसको भी पूछना चाहिए कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि हिजाब उसकी सुरक्षा के लिए बनाया है, उसकी सुरक्षा के लिए अल्लाह ने बनाया है, ना कि उसको मार डालने के लिए कि तुम हिजाब नहीं पहनोगी तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही बुरा लगा दोस्तों, बहुत ही बुरा लगा। मेरी लाइफ में एक देखो एक लेसन पढ़ाया गया मुझे और वो फिर दिखाया गया और उतारा गया। ओके, कैसे बताती हूँ, मैं एक रही थी कहीं पे, तो मुझे बताया गया कि यहाँ पहले एक लेडीज़ रहती थी कि जो कि हिंदू थी और भाग के वो मुस्लिम लड़की के साथ आई थी। और बाद में जो है कुछ समय वो साथ रहे, उन्होंने एक बच्चे को ख़रीदा और ऐसा दिखाया कि ये बच्चा हमारा ही है, तो सबको लगे कि भाई एक परिवार है, चलो इन्होंने जो है लव मैरिज किया है। बाद में वो औरत गायब, बच्चा गायब, और जो वो मर्द था वो अपनी पहली असली बीबी के साथ जो कि मुस्लिम थी उसके साथ रह रहा था। फिर ये कहाँ गई जो हिंदू लेडी थी। तो सबके मन में ये सवाल आया और सब डर गए इस चीज़ के कि उसका क्या हुआ। वो तो राम जाने, अब वो तो मैके तो वापस नहीं जा सकती, ससुराल भी नहीं जा सकती, वो गई तो कहाँ गई, क्योंकि वो अपने बच्चे कच्चे छोड़ के आई थी इसके पास, अब वो कहाँ गई। मैं किसी धर्म को बदनाम नहीं करना चाहती दोस्तों, लेकिन लव जिहाद खुद मेरी बहुत ही नियर डियर रिलेटिव्स के साथ हुआ है, एक परिवार बर्बाद हुआ।
तो इसलिए मैं नाम तो नहीं ले सकती, बता तो नहीं सकती, लेकिन मैं इसकी सीरियसनेस इसका समझती हूँ, वो दर्द समझती हूँ, उन भावनाओं को समझती हूँ, उस पीड़ा को समझती हूँ, और मैं किसी धर्म को भी बदनाम नहीं करना चाहती। लेकिन कुछ लोग हैं जो किसी भी धर्म में रहे वो गलत काम ही करेंगे। अब अल्लाह ने नहीं बताया है कि तुम लव जिहाद करो, तो अल्लाह सबका अच्छा ही चाहता है, ईश्वर कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। तो आपको क्या अधिकार है लव जिहाद के नाम पर किसी की भावनाओं से खेलने का? बहुत ही मेरे नियर रिलेटिव्स, ओके, दूर के नहीं, वेरी नियर, वो दर्द, वो पेन, वो पीड़ा, वो सब कुछ मैं अपनी आँखों के सामने देख चुकी हूँ, और बहुत बुरा लगता है, बहुत बहुत बुरा लगता है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। क्या अल्लाह बताएगा कि आप लव जिहाद करो? तो आई डोंट थिंक भगवान कभी भी अपने बच्चों को बताएगा कि तुम दूसरे बच्चों के साथ ऐसा खेल खेलो, और वो भी जब एक ब्राह्मण कहा जा, मैंने ऐसे सुना जब ये सब हुआ कि अगर ब्राह्मण की लड़की को आप फंसाते हो जो कास्ट से, धर्म से पंडित है, मैं मानो ब्राह्मण है, पुरोहित जिसे बोलते हैं, तो ज़्यादा कीमत दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिला, ये एग्जाम्पल के साथ। और उस एक दिन ऐसा आया कि मैं रेलवे स्टेशन पे थी और वहाँ पे गाड़ी हो गई 8 घंटे लेट। कितनी बार जाके पूछा कब आएगी गाड़ी, तो वो सुनने को मिला अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी। जो 6 बजे की गाड़ी थी, रात को पता नहीं 12 बजे कितने बजे आई वो, और रेलवे स्टेशन पे